मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू स्टार्ट. जो फैब्रिक हमें मिलता है उसको हम नाम देते हैं ग्रे फैब्रिक. उसको दैट इज टर्म्ड एज ग्रे फैब्रिक या जर्ज फैब्रिक ऐसे बोला जाता है. मतलब वो सीधे लूम से आया है और वो येलोइश कलर का होता है. उसमें कुछ इम्प्योरिटीज, जैसे लूम पे बनाते वक्त उसमें कुछ वैक्स वगैरह लग जाता है. तो अल्टीमेटली हम ग्रे फैब्रिक को कहीं यूज नहीं करते. हमें तो फैब्रिक को गारमेंट के लिए बनाना है, डाइंग होती है या प्रिंटिंग होती है, या हमें जिस पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर फैब्रिक चाहिए, स्पोर्ट बनाना है, उस पे वाटर या रेनकोट बनाना है, तो वाटर रेपलेंट फिनिश वगैरह देनी पड़ेगी. या मैंने कॉटन, आजकल आपने देखा है कॉटन ग्लेज कॉटन आती है, उसमें शाइन होती है, जबकि नॉर्मल कॉटन में शाइन नहीं होती. वो क्यों? क्योंकि उस पे एक तरह का फिनिशिंग ऑपरेशन दिया जाता है. सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब फैब्रिक लूम से आ जाता है उसको क्या क्या प्रोसेसेस के थ्रू निकलना पड़ता है ताकि वो फिनिशिंग उस पे पर्टिकुलर टाइप की फिनिश अप्लाई कर सके. ठीक है. सो प्री ट्रीटमेंट, जब हमारा फैब्रिक लूम से आ जाता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद दिस प्री ट्रीटमेंट. प्री ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स. इन प्री ट्रीटमेंट ऑल द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड. अब मैंने आपको बताया था जब फैब्रिक लूम पे बन रहा है तो उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, कई बार गंदे हाथ लग जाते हैं, ऑयल लग जाता है लूम का, तो डिफरेंट तरह की, या फिर कई बार फाइबर में ही इटसेल्फ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, वो साफ नहीं होती, वो फैब्रिक में भी आ जाती हैं. तो प्री ट्रीटमेंट वो स्टेज है जहाँ पे बची हुई जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जाता है. ठीक है. देन द प्रोसेस विच इज डन टू मार्क दी टेक्सटाइल मटेरियल सुटेबल फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग. ठीक है. ये प्रोसेस करने से ही हमारा जो फैब्रिक है वो सुटेबल होगा डाइंग और प्रिंटिंग के लिए. अगर हम ये प्रोसेस परफॉर्म ना करें तो हमारे फैब्रिक पे डाइंग और प्रिंटिंग अच्छे से नहीं हो सकती. सो इनको करना, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट. ये देखिए, जैसे कि नाउ एवरीबडी नोज कि कॉटन, हमने कॉटन लिया, कॉटन से यार्न बनाया, दिस इज यार्न फॉर्मेशन. फैब्रिक बना, फैब्रिक से उसके बाद उसकी प्री ट्रीटमेंट करी जाती है, देन प्रिंटिंग, और उसके बाद फाइनल उसकी वाटर से रिंस करने के बाद देन हमारे पास फैब्रिक आता है, उसको हम स्टिचिंग करते हैं. सो अब मैं कॉटन की ही प्री ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ. सबसे पहले जो प्री ट्रीटमेंट कॉटन पे करी जाती है उसको हम बोलते हैं सिंचिंग. आपको मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगी. सिंचिंग, डीसाइजिंग, वॉशिंग, देन या तो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपको लस्टर चाहिए, उसमें ज़्यादा लस्टर चाहिए, आपको लगता है मेरा कॉटन का फैब्रिक साफ है, ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं है, आप सीधे उसमें मर्सराइजेशन कर सकते हो. या अगर आपको लगता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं तो आपको स्कोरिंग, देन ब्लीचिंग, देन मर्सराइजेशन एंड देन हीट सेटिंग करनी होती है. आई विल बी डिस्कसिंग ऑल इन डिटेल. सो ये सारे प्रोसेस जो है वो एक्वस मीडियम में, पानी में या सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कैरिड आउट होते हैं, तो इन सभी प्रोसेसेस को वी कॉल इट अ एक्वस प्रोसेस. और ये है सिंचिंग, डीसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजेशन. ठीक है. अब सबसे पहले सिंचिंग. सिंचिंग क्या है? द वर्ब सिंच लिटरली मीन्स टू बर्न सुपरफिशियली. टेक्निकली सिंचिंग रेफर्स टू बर्निंग ऑफ लूज फाइबर्स ऑन दी फर्मली बाउंड इन टू यार्न और फैब्रिक स्ट्रक्चर. अब जैसे आपको पता ही है हमारे जो हेयर है उनकी लेंथ सेम नहीं होती, शॉर्ट फाइबर्स रह जाते हैं, छोटे छोटे बाल. जब हम गुत बनाते हैं, टेक दी एग्जाम्पल ऑफ दैट, जब हम अपनी ब्रेड बनाते हैं या गुत बनाते हैं तो हेयर्स बाहर निकल जाते हैं उससे. सिमिलरली जब हम यार्न्स बनाते हैं उनमें भी हेयरीनेस होता है, और उसी यार्न से जब हम फैब्रिक बनाते हैं तो फैब्रिक के सरफेस पे भी हेयर्स होते हैं. ठीक है. अब अगर हम उस हेयरी फैब्रिक को डाई कर देंगे तो वो अच्छे से डाई नहीं होगा, उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, उतनी चमक नहीं आएगी. तो सिंजिंग वो प्रोसेस है जिससे हम
फैब्रिक के जो सरफेस पे प्रोट्यूडिंग हेयर्स हैं उनको हम बर्न आउट कर देते हैं, ठीक है. दिस इज द बर्निंग ऑफ द प्रोट्यूडिंग फाइबर एंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फैब्रिक. सिंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर्स ऑफ द फैब्रिक, जैसे मैंने बताया. अब सिंजिंग क्या करता है, ये हमारे फैब्रिक को स्मूदर बना देता है और उसकी वेटेबिलिटी मतलब उसको पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी इंक्रीज कर देता है. सिंजिंग की 3 टेक्निक्स हैं, ग्लास फ्लेम, रोलर एंड हॉट प्लेट, ठीक है. अब ये देखिएगा क्या होता है. टू प्रोड्यूस अ स्मूथ सरफेस फिनिश ऑन द फैब्रिक मेड फ्रॉम द स्टेपल फाइबर्स. अब कॉटन कैसा है, स्टेपल, आपको पता है, एवरीबडी नोज, कॉटन फिलामेंट नहीं है, कॉटन स्टेपल है. तो स्टेपल होगा तो उसपे उसके सरफेस पे प्रोट्यूडिंग हेयर्स होंगे ही होंगे. फर्स्ट द फाइबर सरफेस आर ब्रश्ड लाइटली टू रेज द अनवांटेड फाइबर एंड्स. पहले उसको ब्रश किया जाता है हल्के से ताकि उसके जो प्रोट्यूडिंग फाइबर एंड्स हैं वो रेज हो जाएं. देन फैब्रिक इज सिंच्ड एंड पास्ड ओवर द हीटेड कोपर और ओपन ग्लास गैस फ्लेम्स, ठीक है. उसको गैस फ्लेम्स के ऊपर से पास किया जाता है ताकि जो प्रोट्यूडिंग फाइबर एंड्स हैं वो बर्न हो जाए. This fabric is moved very rapid, over rapidly, and only the fiber ends are destroyed. पूरा fabric नहीं जलता आपका, क्योंकि उस gas flame को हमने एक certain angle पे fix किया होता है, particular angle उसका fix decided होता है, उसी angle पे वो flame अपनी intensity show करती है ताकि जो निकले हुए protruding hairs हैं खाली वही burn हो. As soon as fabric up. क्योंकि कॉटन है, कॉटन में जरा सी चिंगारी भी पकड़ ले तो ऐसा हो सकता है कि उसमें आग लगी रह जाए. तो जैसे ही वो सिंचिंग एरिया से निकलता है उसको वाटर बाथ में डाल दिया जाता है कि अगर कोई चिंगारी रह जाती है उस कपड़े में वो भुज जाए, ठीक है, और कपड़े पे डैमेज ना हो. ये देखिए, दिस इज सिंचिंग. ये एक ट्रॉली में आपका फैब्रिक पड़ा है, ठीक है. इन फैब्रिक को इन रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है. यहाँ पे ब्रश लगा है जो फैब्रिक के प्रोट्यूडिंग हेयर्स को खड़ा कर देता है, ठीक है. देन इज गैस फ्लेम, ये देखिए बर्नर्स हैं, ये दोनों साइड से जो प्रोट्यूडिंग हेयर्स हैं उनको बर्न कर देते हैं. जैसे ही वो इससे पास होता है उसके बाद इसको वाटर टैंक या डिसाइजिंग टैंक में डाल देते हैं ताकि कोई स्पार्क उसमें ना रह जाए. अगेन उसको स्क्वीज करके, यहाँ पे स्क्वीजिंग रोलर्स हैं जो एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं और उसको फिर ट्रॉली में डाल दिया जाता है. ये प्रोसेस है, दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ सिंचिंग मशीन, ओके. ये देखिए, ये इंटरनल व्यू है उसी मशीन का, वो मैंने लाइन डायग्राम बताई थी. ये मशीन कैसे होती है, ये देखिए, जो रेड बोल्स हैं वो रोलर्स है, ये डॉटेड लाइन से आपका फैब्रिक जा रहा है, ठीक है. दिस इज फैब्रिक कैसे कैसे जा रहा है. यहाँ पे बर्नर्स हैं, दीज आर दी गैस बर्नर्स, और गैस बर्नर से जैसे ही फैब्रिक निकलता है इसको वाटर टैंक में डाल दिया जाता है, ठीक है. ये आउटर व्यू ऑफ दी सिंजिंग मशीन है, ऐसे दिखता है. एक एंड से फैब्रिक जा रहा है, दूसरे एंड पे फैब्रिक आपका लाई डाउन हो रहा है पाइल्स में, ठीक है. ये देखिए, सिंजिंग के पहले फैब्रिक ऐसा दिखाई देता है, आफ्टर सिंजिंग यू गेट दिस लुक. तो ऑब्वियसली हमें ऐसा लुक नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फाइबर्स खड़े रह जाएंगे तो वो अच्छे से डाई नहीं हो पाएगा, ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट सिंजिंग. अब नेक्स्ट है डीसाइजिंग. डीसाइजिंग के लिए सबसे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है. जब हम आपको पता है फैब्रिक दो तरह के यान से बनता है, वाप और वेफ्ट, ताना और बाना, ठीक है. वाप को हम पैरेलली ले डाउन करते हैं और वेफ्ट को शटल या किसी और मीडियम की हेल्प से उस वेफ्ट में इंसर्ट किया जाता है. अब वाप जो है वो लूम पे लगाया जाता है, उसको काफी फ्रिक्शन सहनी पड़ती है लूम के पार्ट से, तो क्या होता है, वाप के टूटने का खतरा होता है. तो उस वाप को हम साइज, एक साइजिंग पेस्ट लगा देते हैं उस वाप की, वाप पे. वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर सी काम करती है, वो उसको टूटने नहीं देती. तो अब जब फैब्रिक बन जाता है उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रिमूव दैट साइज, ठीक है. वो जो हमने स्टार्च, वो जैसे चावलों का पानी होता है उसको ही बेसिकली वैसा ही कुछ पेस्ट लगाया जाता है, उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है ताकि अगर हमें उस फैब्रिक को डाई करना है तो तभी वो डाई होगा अगर वो साइज रिमूव हो जाएगी. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी साइजिंग, ठीक है. साइजिंग होती है वाप यान पे, डी साइजिंग होती है फैब्रिक स्टेज में. रिमेंबर,
साइजिंग होती है वापयान पे, डी साइजिंग होती है फैब्रिक स्टेज में, जब फैब्रिक बन जाता है, ठीक है। तो डी साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्टार्च और साइज कवरिंग द वापयान यूजिंग एंजाइम। इसमें हम एंजाइम्स का यूज करते हैं और डी साइजिंग कर ली जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं और अदर केमिकल्स आर ऑल्सो यूज। There are three types of techniques in desizing and four methods that can be used. ये देखिए desizing ऐसे करी जाती है। First hot water से उसको निकाला जाता है, गर्म पानी क्या करता है उस size को पिघला देगा, ठीक है। Then enzyme solution है यहाँ पे, इस water bath में enzyme का solution है, ठीक है, वो उस size को घोलने में dissolve out कर देता है। फिर उसको winch में डाला जाता है, ये देखिए इसका shape different सा है और उसमें पूरा फैब्रिक एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ड्वेलिंग पीरियड। फैब्रिक को टाइम दिया जाता है कि एंजाइम अच्छे से रिएक्ट कर दे और स्टार्च अच्छे से रिमूव हो जाए, उसके बाद फाइनल वॉशिंग करके इसको निकाल लिया जाता है। ये है डीसाइजिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब डीसाइजिंग क्यों की जाती है? टू एलिमिनेट द वॉटर रेपेलेंट नेचर ऑफ साइज्ड क्लोथ, आपको साइज रिमूव करने के लिए, अगर आप वो चावलों वाला पानी समथिंग लाइक दैट उसको रिमूव नहीं करेंगे तो एब्जॉर्बेंसी नहीं होगी आपके कपड़े की। टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी, ठीक है, अगर आप साइज को रिमूव कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके फैब्रिक की जो है वो एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज कर जाएगी। टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ केमिकल्स, अब कोई चीज ऑलरेडी एब्जॉर्बेंट है, उसमें कोई चीज भरा हुआ है, बोलते हैं ना खाली घड़े में ही हम पानी भर सकते हैं, जो ऑलरेडी फिल्ड है उसमें और पानी नहीं डाल सकते, तो ऑब्वियसली टू पुट समथिंग इन वी हैव टू रिमूव आउट समथिंग। तो वही प्रोसेस यहाँ पे डीसाइजिंग करता है, ठीक है। दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ डीसाइजिंग। डीसाइजिंग की टेक्निक्स में आप आता है वॉटर इनसॉल्यूबल साइजेस को रिमूव किया जाता है, स्टार्च पे साइजेस को रिमूव करने का अलग प्रोसीजर है, और जो अगर हमने दोनों स्टार्च भी यूज किया और वाटर सोल्यूबल भी किया है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर हम यूज करते हैं। ये है डीसाइजिंग के मेथड्स, एंजाइम का यूज करके, ऑक्सीडेटिव मटेरियल का यूज करके, एसिड स्टिपिंग एसिड के हेल्प से, रॉट स्टीम, डीसाइजिंग विद हॉट कॉस्टिक सोडा के यूज से डीसाइजिंग करो, हॉट वॉशिंग विद डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर सोल्यूबल फिनिश, एंड प्लाज्मा डीसाइजिंग। आजकल कोरोना को ट्रीट करने के लिए भी प्लाज्मा टेक्निक आ रही है, सिमिलरली प्लाज्मा इज बींग यूज फॉर डीसाइजिंग ऑल्सो। नाउ एंजाइमेटिक डीसाइजिंग, द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यूजिंग एंजाइम अंडर पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन इज कॉल्ड, किसी एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन उसकी फिक्स्ड होती है, कितनी कंसेंट्रेशन लेना है, कितने टेम्परेचर पे करना है और कितनी देर के लिए करना है, दैट इज कॉल्ड एंजाइमेटिक डीसाइजिंग। इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसके कोई बैड इफेक्ट नहीं है, डिसएडवांटेजेस नहीं है ज्यादा, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या है, एग्रेसिव केमिकल नहीं है, वो आपके कपड़े को हार्म नहीं करता, ठीक है, और वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन आप हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लोअर एडिशनल क्लीनिंग इफेक्ट, मतलब इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, नो इफेक्ट ऑन सर्टेन स्टार्च, कई स्टार्चेस हैं जैसे टैपिकोआ, उन पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, पर इंडस्ट्री पीपल यूजुअली गो फॉर एंजाइमेटिक डिसाइजिंग, वो एंजाइम का ही यूज करते हैं क्योंकि वो अपने आपके कपड़े को खराब नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग, ये क्या करता है, नॉन स्टार्च, जिनमें स्टार्च नहीं है, आपको पता है पोटैटो में स्टार्च होता है, ठीक है, तो जो नॉन स्टार्च साइजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए ये ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग का यूज किया जाता है। जहां पे भी ऑक्सीडेटिव टर्म आ जाएगी, यू ऑलवेज रिमेम्बर हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मैक्सिमम यूज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत अच्छे से क्लीन करता है, और इवन कि जो स्टार्च हमारी एंजाइमेटिक डिसाइजिंग में निकलनी आप केमिकल का यूज कर रहे हैं तो केमिकल कहीं ना कहीं आपके कपड़े को
खराब तो करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है मैं आपको बताया एसिड जहां पे आ जाए, मतलब आपका एसिडिक सॉल्यूशन यूज हो रहा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनका यूज किया जाता है। हाउएवर दिस मेथड इज आल्सो हैविंग द बैड इफेक्ट। पता ही है कॉटन जो फैब्रिक है, वेजिटेबल फैब्रिक्स हैं जो बस हैं, वो एसिड में डिजोल्व हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इन फैब्रिक्स का बैड इफेक्ट है। ओके, लाई, लाई इज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का एक सोल्यूशन लाई टाइप बना लिया जाता है और उसका यूज किया जाता है। कॉस्टिक सोडा डिजोल्व स्टार्च एंड फॉर्म्स लेयर एंड कैन बी सेपरेटेड आउट। इसकी पैडिंग करी जाती है इन एल्कली और स्टैक किया जाता है 60-80 डिग्री सेंटीग्रेड 12 घंटे तक, 6-12 घंटे तक, ताकि वो स्टार्च जो है अच्छे से रिमूव आउट हो जाए। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स के नेम है या एजेंट्स हैं जो डिसाइजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्रे फैब्रिक जाता है बीच में डिसाइजिंग, इसमें इतने केमिकल्स डाले होते हैं, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, 24 घंटे के लिए रखा जाता है और फैब्रिक को एक रोटेशन में रखा जाता है ताकि जो एंजाइम है वो सारी जगह, मतलब बहुत बड़े रोल्स होते हैं, रोलर्स पे फैब्रिक माउंटेड होता है, नियरली 1000 मीटर्स के आसपास होता है, तो वो रोलर्स को कंटिन्यूसली रोटेशन में रखा जाता है ताकि जो एंजाइम है वो सारी जगह पहुंच जाए और साइज अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसको पानी से रिंस किया जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद फाइनली फैब्रिक को बाउंड कर लिया जाता है दूसरे पे। ये देखिए ये डिसाइजिंग मशीन्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। ये देखो कितना बड़ा फैब्रिक का रोलर है, तो उसको कंटिन्यूस रोटेशन में रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए अगर डिसाइजिंग अच्छी ना हो तो फैब्रिक पे ऐसा लुक आता है, अगर डिसाइजिंग बहुत अच्छे से हो वी गेट दिस फिनिश्ड लुक। ठीक है, मतलब अगर स्टार्च रह गया, यहाँ देखो स्टार्च रहा होगा तो अच्छे से वो डाई है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोरिंग। स्कोरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द नेचुरल और एडिटिव इंप्योरिटीज। कौन कौन सी इंप्योरिटीज हैं? ऑयल, वैक्स, फैट, हैंड डस्ट, इन सबको रिमूव करने के लिए हम स्कोरिंग करते हैं। ये देखो जैसे फैब्रिक है, फैब्रिक पे डस्ट लगा है, जैसे हम कपड़े धोते हैं सिमिलर वे में स्कोरिंग है। क्या करता है, हम डिटर्जेंट डालते हैं कपड़े में तो वो क्या करता है, जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट होती है वो क्या करती है, कपड़े से हटके और कपड़ा हमारा क्लीन हो जाता है। यही होता है ना कि हमारा जो कपड़े धोने वाला पानी, तो उस पे डस्ट जमा होती है, डर्ट जमा होती है, वो आपके सर्फ के साथ जुड़ जाती है। उसी वे में स्कोरिंग फैब्रिक की करी जाती है ताकि जितनी भी डस्ट लिया जाए। तो ये प्रोसेस भी फैब्रिक को हाइड्रोफिलिक बनाता है। हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग। ठीक है, टू रिमूव है, एब्सॉर्बेंसी इंक्रीज कर जाती है, टू प्रोड्यूस अ क्लीन मटेरियल, आपका मटेरियल क्लीन हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और जो नॉन सेलुलोसिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको भी ये रिमूव कर देता है। तो स्कोरिंग करने के लिए हमें देखना पड़ता है कैसा यार्न है, उसका कलर कैसा है, क्लीनिनेस कितनी चाहिए, उसका ट्विस्ट और फैब्रिक की कैसी कंस्ट्रक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया फैब्रिक में डिफरेंट वीव्स होती हैं, प्लेन, ट्विल, साटिन, सटीन। ठीक है, देन शेड और कौन सी आपको कैसा शेड चाहिए, कैसी फिनिशिंग चाहिए। अब केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं, कॉस्टिक सोडा, सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, सोडियम सिलिकेट, सोडा एश, सॉल्वेंट, ये कुछ केमिकल्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं जो स्कोरिंग के लिए काम में यूज होते हैं। जनरली पूछा जाता है डिटर्जेंट्स आर यूज फॉर व्हाट पर्पस, तो योर आंसर शुड बी स्कोरिंग। ठीक है, उसके बाद स्कोरिंग को किस किस फॉर्म में किया जाता है। यार्न स्कोरिंग, यार्न की फॉर्म में हैंग, पैकेज और कंटिन्यूस शीट बना ली जाती है, या फैब्रिक की स्कोरिंग ओपन विथ फॉर्म में जिगर, पैड बैच, प्रोग्रेसिव जिग, रॉ फॉर्म में कियर और वॉशर्स, ये जो मशीन्स हैं उनका नाम है। ठीक है, कैसे करते हैं, आई विल शो यू।
स्कोरिंग का प्रोसेस बैच प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े टाइम में थोड़े थोड़े फैब्रिक को स्कोर किया जाता है, या सेमी कंटिन्यूस प्रोसेस हो सकता है इसका, मतलब स्कोरिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस सीधे ही कर लिया जाए, डिसकंटिन्यूस होता है और आजकल मॉडर्न टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है. स्कोरिंग ऑफ कॉटन जनरली दो मेथड से करी जाती है, डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस. ये देखिए ये कियर बॉयलर्स हैं, ठीक है, इसमें ये फैब्रिक आपका है और ऊपर से हॉट लिक्विड डालकर जिसमें डिटर्जेंट ऑलरेडी मिक्स्ड है, यहाँ पे हमने मिक्सिंग कर ली और वो डाला जाता है और फैब्रिक को इसको बंद कर दिया जाता है, तो ताकि वो अच्छे से घूमकर उसमें जो डर्ट्स हैं जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव आउट हो जाए. दिस इज कियर बॉयलर, ठीक है. तो नेक्स्ट है जे बॉक्स. ये देखिए ये जे बॉक्स है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में फैब्रिक की स्कोरिंग करता है. पहले फैब्रिक यहाँ से, दिस इज द फैब्रिक, गाइड रोलर से इम्प्रेगनेशन बॉक्स में जाता है जिसमें एल्कली डला होता है, उसके बाद उसको स्क्वीज आउट कर देते हैं, फिर प्री हीटर से पास होता है. दिस इज जे बॉक्स. जे बॉक्स में फैब्रिक आपका लाई डाउन हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए इसको रखा जाता है 6 to 12 आवर्स के लिए, उसके बाद उसको वॉशिंग करके निकाल लिया जाता है. ये देखिए अगर स्कोरिंग ना करें हम तो वी गेट दीज टाइप्स ऑफ रिजल्ट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज हैं, वो डाई को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, इसलिए स्कोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो वो क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज है जो भी ऑयल है वो उसको रिमूव कर देगा ताकि डाई हमारी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए. नेक्स्ट है ब्लीचिंग. अब जो भी फैब्रिक जनरली लेडीज डू दी ब्लीचिंग, वॉट ब्लीचिंग का क्या पर्पस है, वो आपके हेयर के कलर्स को लाइटर कर देता है, ठीक है. तो सिमिलर जो फैब्रिक है, फैब्रिक जब हम लूम से आते हैं वो येलोइश शेड का होता है, ठीक है, क्योंकि कॉटन येलोइश टिंट में आती है. तो फैब्रिक को अगर हमने वाइटिश लुक देनी है, क्लीन वाइट लुक देनी है, वी ऑप्ट फॉर ब्लीचिंग. तो ब्लीचिंग वो केमिकल ट्रीटमेंट है जिससे नेचुरल कर्लिंग कलरिंग मैटर जो उस सब्सटेंस में सब्सट्रेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिमूव आउट कर देता है. द सोर्स ऑफ नेचर ऑफ कलर इज ऑर्गेनिक, ठीक है. तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज करते हैं जिससे मटेरियल आपका वाइटर सफेद दिखने लगता है. तो दिस इज कॉटन फैब्रिक, उसको पहले पैडिंग उससे पास किया जाता है जिसमें ब्लीचिंग एजेंट है, वो अच्छे से उसको येलोनिश जो येलो कलर है उसको रिमूव आउट कर देता है. देन स्क्वीज रोलर्स की हेल्प से उसको बाद रैपिड स्टीमिंग के चैम्बर से पास किया जाता है, उसके बाद वॉश करके कॉटन को बाहर निकाल लिया जाता है. सो एम ऑफ ब्लीचिंग, अगर कोई कलर्ड इम्प्योरिटीज रह गई हैं उसको रिमूव करना. जो कॉटन है, कॉटन आपको पता है सीड से निकलता है, तो अगर कोई सीड कॉर्ड्स रह गए हैं उसके कारण येलोइश टिंट आती है, उसको रिमूव करना. मिनिमम टेंडरिंग ऑफ फाइबर, ठीक है, सिंपल मोड ऑफ ऑपरेशन और बहुत कम केमिकल यूज होता है. एंड इंक्रीज डिग्री ऑफ वाइटनेस, यूजली वाइटनेस हमें चाहिए होती है. सपोज करो हमने सैंपल को डाई नहीं करना, वाइट फॉर्म में ही रखना है, तो ब्लीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है. अब ब्लीचिंग एजेंट क्या है, ब्लीचिंग एजेंट is a substance then that can whiten or decolorize the other substance. वो white कर लेता है या decolorize कर देता है. वो क्या करता है, जो chromophores होते हैं, आपको पता है किसी भी substance जैसे leaves हैं उसमें क्या है, chromophores present है जो उसको greenish colors देते हैं, ठीक है. उसी तरह हर एक substance में color giving elements होते हैं, तो bleaching क्या करता है, उसको destroy कर देता है, remove कर देता है. सो ब्लीचिंग को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट, रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट, एंजाइमेटिक ब्लीचिंग एजेंट्स. ये चार्ट है. ऑक्सीडेटिव में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑलवेज कम, शुड ऑलवेज कम टू योर माइंड की ऑक्सीडेटिव है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तो होगा ही होगा, ठीक है. देन सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे अदर कंपाउंड्स हैं. देन क्लोरीन सिस्टम में ब्लीचिंग पाउडर जो आपकी ब्लीचेस में प्रेजेंट होता है, क्लोरीनेटेड ब्लीच होती है, क्योंकि क्लोरीन बेस्ड ब्लीच यूज करने से क्या फायदा है कि इससे जो फैब्रिक है उसका डैमेज बहुत कम होता है, ठीक है.
तो जनरली जो मार्केट में ब्लीच अवेलेबल होती है फेशियल ज्यादा होता है, लेकिन ओजोन वाली भी आ गई है, तो वही काम जो आपका फेस पे करा जाता है वही फैब्रिक्स के लिए एप्लीकेशन ऑक्सीलेट्स, एसिडिक सोडियम सल्फाइड, ये सारे केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग क्या करती है? ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एक केमिकल रिएजेंट है जो एल्कली सॉल्यूशन को डिकम्पोज करके एक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। वो ऑक्सीजन की हेल्प से जो पार्शली कलरिंग मटेरियल है उसको रिमूव कर लिया जाता है। और रिडक्टिव ब्लीचिंग में क्या होता है? वो दैट डिस्ट्रॉय द कलरिंग मटेरियल बाय रिडक्टिव रिएक्शन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है उसमें। ठीक है, ब्लीचिंग के लिए ये रेसिपी है: NaOH सोप, स्टेबलाइजर, H2O2। रिएक्शन टाइम 25 मिनट देते हैं और स्पीड इसमें 50 से 70 मीटर पर मिनट मेंटेन करी जाती है कपड़े की। जो कपड़ा जिस स्पीड पे पास होता है दैट इज दिस स्पीड। ऑक्सिलरीज मतलब एक्स्ट्रा ब्लीचिंग एजेंट के अलावा और क्या क्या यूज किया जाता है? एक्टिवेटर यूज किया जाता है, फेशियल ब्लीच में भी एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर का काम है कि वो ब्लीचिंग एजेंट की जो प्रतिक्रिया है उसको फास्टन आउट कर देता है, फास्टन कर देता है। ठीक है, देन वेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, सिक्वेस्ट्रिंग, एंटी करोजन एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। ये देखिए, ये इंडस्ट्री में ब्लीच हो रहा है, यू आर गेटिंग दी वाइटर टोन ऑफ दी फैब्रिक आफ्टर ब्लीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन मोस्टली कॉटन के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है कॉटन का जो लश्चर है, कॉटन का जो है किडनी शेप्ड होता है, इन माय अर्लियर क्लास आई हैव टोल्ड यू। तो ल्यूमेन शेप मैंने आपको बताया था, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं उनमें लश्चर नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं उनका इरेगुलर सा सरफेस होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लश्चर क्यों आता है, शाइन क्यों आता है? जब हमारी लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो शाइनी अपियर करता है। उसी तरह कॉटन को भी अगर हमें मर्सराइजेशन कर देते हैं, कॉस्टिक सोडा की हेल्प से इसकी मर्सराइजेशन करते हैं, तो क्या होता है, जो उसका क्रॉस सेक्शनल शेप है, किडनी शेप्ड है, वो सर्कुलर में चेंज हो जाता है। तो मर्सराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉटन की एब्जॉर्बेंसी तो इंक्रीज करता है ही है, उसके लस्टर शाइन वगैरह भी कर देता है। ठीक है, इट इज ट्रीटमेंट ऑफ विथ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या करता है, ये ग्लॉस, ग्लॉस मतलब शाइन इम्पार्ट करता है, हाइड्रोफिलिक बनाता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, डाई एफिनिटी इंक्रीज कर देता है। ओके, सो पर्पज क्या है, टू इम्प्रूव लश्चर, टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव डाई अपटेक एंड मॉइस्चर रिगेन। ठीक है, डिफरेंट वे है मर्सराइजेशन की, डिफरेंट मशीन्स हैं। नीटेड फैब्रिक के लिए अलग है, वोवन के लिए अलग है, हैंग को करने के लिए अलग है। दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ मर्सराइजेशन मशीन्स जो आजकल मोस्टली इंडस्ट्री में चेनलेस पैडलेस मर्सराइजेशन रेंज यूज करी जाती है। दिस वन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, चेनलेस पैडलेस मर्सराइजेशन रेंज इंडस्ट्रीज में हमें ये मिलती है। ठीक है, फैक्टर्स मतलब मर्सराइजेशन की क्वालिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन, व्हाट आर दी थ्री मेन फैक्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मर्सराइजेशन। सो दीज फैक्टर्स आर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आप कर रहे हो, कितनी फैब्रिक की टेंशन कितनी आपने इम्पार्ट करी हुई है, और कितने टाइम कर रहे हो। दीज थ्री टी आर इम्पोर्टेंट। थ्री टीज कौन से है मर्सराइजेशन के लिए? टेम्परेचर, टाइम एंड टेंशन। ये देखिए, ये कॉटन का क्रॉस सेक्शन है, ह्यूमन शेप्ड है। जैसे ही हम इसको कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन में हाउ द ऑफ कॉटन चेंज होता है विद द मर्सराइजेशन। ये देखिए, मर्सराइज आपका फैब्रिक ऐसे दिखेगा जिसमें सेम डाई दिखेगी, लेकिन अनमर्सराइज में देखो यहाँ कहीं डार्क दिख रहा है, यहाँ लाइट दिख रहा है, अनइवननेस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो थे प्री ट्रीटमेंट। अब इसके बाद
आपका फैब्रिक इज रेडी फॉर फिनिशिंग. दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो फिनिशिंग के लिए नेसेसरी होते हैं. देन कमिंग टू फिनिशिंग ऑपरेशंस. फिनिशिंग क्या है? फिनिशिंग वो प्रोसेस है जो फैब्रिक को सूटेड फैब्रिक फिनिशेस हैव सच अ प्रोफाइल इफेक्ट दैट फैब्रिक विद सेम जर्ज गुड्स कैन बी फिनिश्ड. ठीक है, उसको सेवरल टाइप ऑफ फैब्रिक्स में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, कैन बी मेड दिस मसलिन चेन्स इमिटेशन ऑफ सीम सक्कर कैन बी मेड फ्रॉम द सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन. कॉटन से ही ये देखो ये सारे बनते हैं, मसलिन चेन्स एंड सीम सियर सक्कर. ठीक है, तो फिनिशेस की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है? एस्थेटिक मतलब अच्छी दिखाई देने वाली, जिनकी अपियरेंस अच्छी दिखती है. तो वो फिनिशेस क्या करती है? फैब्रिक की अपियरेंस को अच्छा बना देती है, जैसे कि उसकी हैंडल में मतलब सॉफ्टनेस ला देती है. ड्रेप, आपको पता है हमारे कर्टन्स हैंग आउट होते हैं अपने वेट से, तो ड्रेप ऐड ऑन कर देती है. ठीक है, देन इज फंक्शनल. अगर हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम फिनिश दें, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़े वाटर रेपेलेंट हो जाए या इनमें ऑर्डर ना आए, तो ये डिफरेंट टाइप की फिनिशेस हैं. या इनमें कोई डर्ट ना ठहरे, जैसे मूवी थिएटर्स हैं. ये क्वेश्चन जर्नली आपके उसमें आता है एग्जामिनेशन में कि आपकी जो थिएटर सीट्स हैं उनपे कौन से तरह की फिनिश लगाई जाती है. तो थिएटर सीट्स पे तरह तरह के लोग आके बैठते हैं, उनकी स्वेटिंग होती है. तो फर्स्ट है कि ऑर्डर प्रूफ, एंड सेकेंड है कि कोई भी गंदगी उस पर ना लगे. तो सॉइल रिलीज, तो कैसा फंक्शन मुझे चाहिए उस बेस पे फंक्शनल फिनिश उसे दी जाती है. ठीक है, देन इज अदर क्लासिफिकेशन इज केमिकल और मैकेनिकल. आप केमिकल के यूज से उसको फिनिशिंग दे रहे हैं या मैकेनिकल कोई मशीनरी की हेल्प से आप दे रहे हैं. तो केमिकल को जनरली वो एक्वस मीडियम में ही होती है, उसको वेट फिनिशिंग नाम दिया जाता है, और मैकेनिकल को ड्राई फिनिशिंग नाम दिया जाता है. देन इज फर्दर क्लासिफिकेशन कि कितनी देर तक वो फिनिश आपके कपड़े पर ठहरती है. परमानेंट, हमेशा के लिए वो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज चेंज है. ड्यूरेबल, यूजुअली लास्ट थ्रू आउट द लाइफ बट इफेक्टिवनेस बिकम्स डिमिनिश्ड. मतलब आप बार बार उसको क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाती है. सेमी ड्यूरेबल इज जैसे आप वॉशिंग करवाते हैं, ड्राई क्लीनिंग बार बार करवाते हैं, तो आपको दोबारा दोबारा उसको फिनिश देनी पड़ती है ताकि वो रहे. देन इज टेम्पररी. टेम्पररी मतलब एक बार धोने के बाद वो चली जाती है. बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉटन के कपड़े को प्रेस करना, धोने के बाद क्या होता है उसमें फिर से रिंकल्स आ जाते हैं. तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन. कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी आपने किस बेसिस पे किया, एस्थेटिक फंक्शन उसका इंक्रीज कर रहे हो. देन वॉज केमिकल या मैकेनिकल, एंड लास्ट वॉज परमानेंट, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और टेम्पररी. ये पूछी जाती है क्लासिफिकेशन. टूडे आई विल कवर ओनली द मैकेनिकल फिनिशेज इन दिस लेक्चर. ये देखिए वूल का आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, स्केली. ठीक है, वूल के स्ट्रक्चर को कौन सी फिनिश इम्पार्ट करी जाती है ये पूछा जाता है. फूलिंग इज यूज फॉर विच फैब्रिक टाइप, सो योर आंसर शुड बी वूल. तो वूल के लिए फूलिंग हम करते हैं. द प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द थिकनेस एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ वोवन और निटेड वूल. तो ये क्या करता है, कपड़े में थिकनेस इम्पार्ट करता है और उसकी कॉम्पैक्टनेस, वीव की कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज कर देता है. कैसे? इसमें जो फैब्रिक है उसको मॉइस्चर, हीट, फ्रिक्शन और प्रेशर सब्जेक्ट किया जाता है तब तक जब तक उसकी श्रिंकेज 10-25% ना हो जाए. ठीक है, श्रिंकेज दोनों डायरेक्शंस में होती है, वाप और वेफ्ट में, और जिससे क्या होता है, स्मूथ टाइटली फिनिश्ड फैब्रिक जो लाइट होता है, वार्म होता है और वेदर प्रूफ होता है वो हमें मिल जाता है. फूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ क्लोथ मेड अप ऑफ वूल एंड देन यूजिंग विग्रस मेथड्स दैट लाइक अ फेल. ये देखिए वूल का कपड़ा है वो ऐसे दिखाई देता है. ठीक है, इसने क्या किया, उसको कॉम्पैक्टनेस दे दी, ठीक है, थिननेस दे दी, पर इसकी जो और अच्छी हो गई, मतलब वार्म्थ देने वाली प्रॉपर्टीज वो इंक्रीज हो जाएंगी. जितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा उतना आपको वार्म्थ प्रोवाइड होगी. नेक्स्ट है वेइंग. ये पूछा जाता है वेइंग किसके लिए यूज होता है. योर आंसर शुड बी सिल्क.
सिल्क की वेइंग करते हैं, ठीक है। वेइंग क्या है? वेइंग इज ए प्रोसेस इन विच द वेट ऑफ सिल्क इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव दी हैंड एंड ड्रेप ऑफ फैब्रिक। आपको पता है सिल्क रेशम से बना हुआ कपड़ा बहुत डेलिकेट होता है, उसको ऐसे तो हम पहन नहीं सकते, तो वेइंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो करा ही करा जाता है हर सिल्क फैब्रिक के लिए। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा फैब्रिक को वेट मिल जाता है और उसका हैंडल और ड्रेप अच्छा हो जाता है। और ज्यादा यूज नहीं करती है, उससे क्या होता है वो सिल्क को वीकन आउट भी कर देते हैं कई बार। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिल्क वेइंग क्या है, इट आफ्टर द सिल्क मटेरियल इट लूजेस 25% ऑफ वेट पर्टिकुलरली आफ्टर डीगमिंग। क्या होता है, आपको पता है जो हमारा सिल्क है दो तरह के जो सिक्रीशंस हैं उनसे बनता है, दैट इज सैरेसिन और फिब्रोइन। जो सिल्क वॉर्म है ये दो तरह के इंजाइम सिक्रीट करता है, फिर हमारी सिल्क रेशम बनती है। तो ये एक डीगमिंग, उसके बाद डीगमिंग करी जाती है, उससे क्या है फैब्रिक जो है बहुत अपना वेट लूज कर देता है। इसलिए इस वेट के लॉस को ओवरकम करने के लिए हम डीगमिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिकेटाइजिंग। बाय दिस प्रोसेस हाई क्वालिटी वूल एंड वूलन ब्लेंड्स उनको परमानेंट फिक्सिंग करी जाती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एज ये क्या करता है, ड्रेप देता है, क्रीज रेजिस्टेंट देता है, डिस्क्रीट ग्लेज, ग्लेज मतलब शाइन प्रोवाइड कर देता है। डिकेटाइजिंग टेक्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे स्टीम की हेल्प से डिकेटाइजिंग करी जाती है। ये भी खाली वूल के लिए या वूल की किसी और के साथ ब्लेंड है उसके लिए करी जाती है, ठीक है। तो पर्पस क्या है इसका, ये क्या करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है, ग्लेज शीन ला देता है आपके स्ट्रक्चर में, डाई फास्ट फिनिश है, वेट फिक्सिंग इन लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, आपकी लेंथ और विड्थ फिक्स हो जाती है। देन इज कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या है, द पर्पस इज टू फ्लैटन द फैब्रिक देयर बाय इंक्रीजिंग द लस्टर। अब देखो कोई यार्न्स है, सर्कुलर वे में यार्न्स होते हैं, उनको मैं अच्छे से अगर सरफेस पे वो रफ से दिख रहे हैं उनको मैं अच्छे से प्रेस आउट कर दूंगी तो क्या होगा, आपका सरफेस स्मूथ हो जाएगा। उसके लिए एक मैकेनिकल फिनिश है जो सरफेस को शाइन देने के लिए करी जाती है किसी भी फैब्रिक पे, दैट इज कैलेंडरिंग। ऑलवेज रिमेम्बर कैलेंडरिंग किस लिए दी जाती है, फैब्रिक को शाइन देने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, द फैब्रिक इज पास बिटवीन हीटेड रोटेटिंग रोलर्स व्हेन बोथ एट द स्पीड ऑफ रोटेशन एंड प्रेशर अप्लाइड आर वेरिएबल। जब उन दोनों का जो स्पीड ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो, वेरिएबल मतलब स्मूथ भी हो सकता है या उसपे कोई धारियां भी लगी हो सकती हैं, टू गेट द डिफरेंट इफेक्ट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके की कंपोनेंट्स हैं प्रेशर, हीट एंड मॉइस्चर। ये देखिए ये कैलेंडर रोल्स हैं, जैसे ये अनइवन सा सरफेस है, जब ये कैलेंडर रोल्स के थ्रू गुजरता है स्मूथ होके निकल रहा है, तो रफ सरफेस कम्स आउट टू बी स्मूथ। तो ये सीरीज ऑफ कैलेंडर रोल यूज किए जाते हैं फैब्रिक को पास करने के लिए, जो फैब्रिक को एक स्मूथ सी फिनिश प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए अनइवन सा फैब्रिक स्ट्रक्चर है, व्हेन पास्ड बिटवीन दीज कैलेंडर रोलर्स ये स्मूथ होके बाहर निकल रहा है, दिस इज कैलेंडरिंग। अगेन यहाँ पे देखिए ये यार्न है अनइवन, जैसे ये निकल रहे हैं बाहर तो दे आर गेटिंग इवन आउट और उनमें लस्टर और सॉफ्टनेस दोनों आ रही है। तो एक रोल इलास्टिक का होता है, अदर रोल इज स्टील, ठीक है, डिफरेंट होती है उनकी कंपोजिशन। उनके प्रेशर में भी तभी डिफरेंस आएगा जब उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, ठीक है। स्टील का कुछ प्रेशर होगा और इलास्टिक रोल का डिफरेंट प्रेशर होगा। सो दिस इज कैलेंडरिंग। तो क्या होता है, फैब्रिक थिनर बन जाता है, लेस परमिएबल, उसका कवर इंक्रीज कर जाता है, लस्टर इंक्रीज करता है, हीट एंड प्रेशर विल कॉज टू मच लस्टर, स्कैटर्ड सरफेस रोल्स विल इम्प्रिंट द डिफेक्ट। अगर आपका सरफेस रोलर्स का स्कैटर्ड है तो वो डिफेक्टिव प्रिंट से ले आएगा। तो चीजों का हमें ध्यान रखना है। फॉर्म है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या है,
ग्लेजिंग प्रोसेस है जिसमें हाई ग्लेज्ड पॉलिश्ड इफेक्ट हमें फैब्रिक के सरफेस पे मिलता है। इसके लिए फ्रिक्शन कैलेंडर और चेजिंग कैलेंडर का यूज किया जाता है। वन कैलेंडर ऑफ द फ्रिक्शन कैलेंडर इज मेड अप ऑफ हाईली पॉलिश्ड स्टील, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस स्टील का होता है और उसकी स्पीड भी हायर होती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो ग्लेजिंग से क्या मिलता है, स्मूथ स्टिफ हाईली पॉलिश सरफेस हमें मिलता है और साथ साथ ये क्या करता है, एक स्टिफनेस अप्लाई कर देता है। ठीक है, जैसे हमें चिन्स फैब्रिक चाहिए, कॉटन से चिन्स बनाना है तो वी गो फॉर ग्लेजिंग। ठीक है, तो रेजिन्स आर इम्पार्टेड जैसे जैसे जब रोलर्स घूम रहा है या इलास्टिक रोलर परफोरेटेड रोलर्स हैं उनके अंदर से हम कोई भी सॉल्यूशन उसमें डाल देते हैं तो जैसे ही फैब्रिक उनसे पास कर देता है करता है तो दैट वो शाइनी सा लुक प्रोवाइड कर देता है, ये जो आफ्टर ग्लेजिंग इतना शाइनी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग मतलब एनग्रेविंग, कुछ एनग्रेव करना। एम्बॉसिंग प्रोड्यूसेस अ थ्री डायमेंशनल डिजाइन, ये 3D डिजाइन प्रोड्यूस करता है फैब्रिक के लिए। दिस इज डन ऑन स्पेशल एम्बॉसिंग कैलेंडर इन विच रोलर सिलेंडर इज एनग्रेव्ड विद एम्बॉसिंग। जो सा डिजाइन आपको चाहिए, धारियों वाला चाहिए, लाइंस चाहिए, वो आप रोलर पे बना देते हैं और उसके बाद फैब्रिक को इन रोलर्स के थ्रू पास करते हैं। द पैटर्न इज देन पुश्ड एंड शेप्ड ऑनटू द क्लोथ, और पैटर्न जो आपके रोलर पे है वही आपके कपड़े पर आ जाता है। ये देखिए, ये मुझे स्ट्रीक्स चाहिए थे फैब्रिक पे, ये प्लेन फैब्रिक है, वेब है फैब्रिक की, और जैसे ये रोलर से पास हो रहे हैं, ये एम्बोस्ड है रोलर, तो ये वाला सेम इफेक्ट हमारे फैब्रिक पे भी आ रहा है। नीचे वाला हॉट कैलेंडर है तो क्या करता है, वो फैब्रिक को मेल्ट कर देता है सेमी मेल्ट स्टेट में, और ये वाला इफेक्ट जो है, जो इस कैलेंडर रोलर पे है, वो आपके फैब्रिक पे इम्प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मोयरिंग। मोयरिंग इफेक्ट इज एन ऑप्टिकल इफेक्ट। एम्बॉसिंग और कैलेंडरिंग का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है मोयरिंग। मोयरिंग इफेक्ट इज एन ऑप्टिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन टाइटली वोवन फैब्रिक विद वेरी फाइन लाइंस, इज सब्जेक्टेड टू द सरफेस प्रेशर दैट डिस्टॉर्ट्स द वीव स्ट्रक्चर। तो ये क्या करते हैं, मोयरिंग से क्या करते हैं, हम जो फैब्रिक का वीव स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा डिफॉर्म या डिस्टॉर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इससे क्या आता है, वाटर मार्किंग का इफेक्ट आ जाता है कपड़े पे। द मोयरिंग इफेक्ट कैन ऑल्सो बी, अगर आपके यार्न स्ट्रेट हैं, हम इतना प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, आपके यार्न जो हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो कैसे लुक देते हैं, ढहते पानी की तरह। ठीक है, द मोयरिंग इफेक्ट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस व्हेन फाइबर बीइंग ट्रीटेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिफॉर्म्ड। उस फाइबर पे ही किया जाता है जो जिसमें कैपेसिटी है कि वो डिफॉर्म हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल वूल, ये देखिए ऐसा इफेक्ट मोयरिंग करने के बाद आ जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि पानी की धाराएं। मोयरिंग ये क्या करता है, बहुत टाइटली फिनिश्ड वोवन फैब्रिक है उसके वीव्स को, उसके यार्न्स को हिला देता है, जिससे ये वाला फैब्रिक पे इफेक्ट आता है, इसको हम मोयरिंग। देन इज सियरिंग। दिस प्रोसेस मे बी अप्लाइड टू सिल्क, रेयन और नायलॉन वोवन फैब्रिक्स। ठीक है, किसके लिए, साटिन्स और टाफ्टास प्रोड्यूस करने के लिए वैक्स अप्लाई करते हैं ऑन दी फैब्रिक फॉलोड बाय हॉट कैलेंडरिंग। तो कैलेंडरिंग इसमें होती है जिससे क्या होता है, सुपर ग्लोस मेटेलिक लुक आ जाता है फैब्रिक पे। ये देखिए आपका फैब्रिक कितना शाइन कर रहा है। ठीक है, नायलॉन फैब्रिक है और उसपे हमने केयरिंग कर दी है और वैक्स अप्लाई कर दिया है, तो दिस इज गिविंग दी ग्लॉसी लुक। ठीक है, देन इज बीटलिंग। बीटलिंग मतलब नाम ही बता रहे हैं, मतलब उसको पीटना, मतलब जैसे हम हथौड़े से पीटते हैं, सेम प्रोसेस फैब्रिक पे भी किया जाता है। बीटलिंग इज कॉमन फिनिशिंग प्रोसेस फॉर लिनन, लिनन के लिए किया जाता है। द यार्न्स आर फ्लैटेंड बाय द इम्पैक्ट ऑफ वुडन मैलेट्स, हथौड़े, वुडन हथौड़े होते हैं, उनसे यार्न को प्रेस कर दिया जाता है। एक्चुअली क्लोजेस द वी एंड गिव बोथ अ फर्म फ्लैटेंड लस्टरस अपीयरेंस। ठीक है, ये देखिए ऐसा सा लुक आ जाता है, लिनन के कपड़े पे मोस्टली हम करते हैं, दिस इज बीटलिंग और हैमरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉपिंग। क्रॉपिंग है
है इट इज द कटिंग द सरफेस हेयर फ्रॉम द फैब्रिक. देखो हमने कॉटन फैब्रिक के लिए सिंजिंग करी थी, पर वूलन गुड्स के लिए सिंजिंग हम नहीं जाते. हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं. जैसे हम ट्रिपिंग ट्रिमिंग करते हैं बियर्ड की, सिमिलरली क्रॉपिंग करी जाती है. प्रोट्यूडिंग इंच नहीं कर सकते उनको हम क्रॉपिंग के, वो सरफेस हेयर्स को कट कर देता है टू गिव दी स्मूथ अपियरेंस. ठीक है, वेयर एज जहां पे उन उन्हीं जहां पे सिंजिंग का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, देन इज रेजिंग. अब रेजिंग बताया मतलब खड़ा करना फैब्रिक के सरफेस पे हेयर के, जैसे हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं, हमारे होते हैं, तो उस पे क्या होता है, रेज फाइबर एंड्स होते हैं. उसको इन्हीं टेक्निक्स से बनाया जाता है. रेजिंग इज अ टेक्निक, इट इज अचीव बाय टीजिंग आउट दी इंडिविजुअल फाइबर्स फ्रॉम, निकाला जाता है यान से, सो दैट दे स्टैंड ऑन दी सरफेस, ताकि वो सरफेस पे खड़े हो जाएं. दिस इज अचीव्ड इन मॉडर्न मशीन्स बाय यूजिंग हुक और बेंड स्टील वायर्स. ठीक है, हुक और बेंड स्टील वायर्स होती हैं जिन रोलर्स पे, उनकी हेल्प से ये किया जाता है. रेज्ड ऑन नैप फैब्रिक हैव अ सॉफ्टर हैंड, प्रोवाइड बेटर इंसुलेशन. जितने फर के बाहर खड़े होंगे तो क्या होगा, उसे इंसुलेशन मिलेगी. ठीक है, फर वाले जो फैब्रिक्स होते हैं सिमिलर वे में, सेम मटेरियल अननैप्ड, देयरफॉर वाइडली यूज्ड. कहाँ पे यूज हो, ये देखिए फैब्रिक को पास किया जाता है जिन रोलर से, जिन तो ये वायर्स क्या करती हैं, फैब्रिक के अंदर जाकर जो यार्न्स के फाइबर्स हैं उनको प्रोट्रूड आउट कर देती हैं. ठीक है, और ये काउंटर प्लाई पाइल है रोलर, ये क्या करती है उसको डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्नैपिंग. का यूज करते हैं किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, मोस्टली हम सबने ये करा ही हुआ है. तो उसी तरह सैंडिंग करी जाती है. सैंडिंग क्या है, एमरी पेपर से रब करते हैं, रोलर्स पे एमरी पेपर लगे होते हैं और उन रोलर्स के थ्रू फैब्रिक को पास किया जाता है, जो फैब्रिक के सरफेस को थोड़ा सा घिसता है, रब करता है, ताकि उसके सरफेस फ्लैट हो जाए. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ स्यूड लाइक सरफेस, फैब्रिक में भी गिवन अ सैंडिंग बाय पासिंग देम थ्रू सीरीज ऑफ एमरी रोलर्स. ठीक है, सीरीज होती है, एक दो नहीं, बहुत सारे एमरी रोलर्स लगे होते हैं सीरीज में. दिस प्रोड्यूसेस अ सॉफ्ट नैप. ये देखिए, ये प्रेशर रोल है, फैब्रिक को पास कर दिया जाता है. ये एम्ब्री रोल है, तो ये क्या करता है, फैब्रिक को अच्छे से अब्रेड करके उसको लुक को फिनिश कर देते हैं. लास्ट में ये लिंट क्लीनिंग है, अगर कोई कुछ फाइबर्स रह जाए वो उसको क्लीन कर देते हैं. तो दिस सैंडिंग के बाद में ऐसा फैब्रिक का सरफेस मिलता है. उसके बाद है क्रेप एंड रिंकल इफेक्ट. ठीक है, तो वो इफेक्ट हमें कैसे मिलता है, यूजिंग दी हार्ट ट्विस्टेड यार्न इन दी वीविंग. हार्ट ट्विस्टेड यार्न को हम पहले वीव आउट कर लेते हैं, फिर क्रेप सरफेस कैन बी प्रोड्यूस बाय सर्टेन फिनिशिंग प्रोसेस. ठीक है, फिनिशिंग मेथड इम्प्रिंट क्रिंकल्ड इफेक्ट, तो क्रिंकल्ड सा इफेक्ट आ जाता है बाय द मीन्स ऑफ एनग्रेव्ड रोलर्स सिमिलर दैट प्रोड्यूस व्हेन थंबनेल इज ड्रॉन अक्रॉस द टिश्यू पेपर. जैसे टिश्यू पेपर पे इफेक्ट आता है वैसा ही इफेक्ट हमें दिखता है क्रेप में. इन अनदर फिनिशिंग मेथड, और इसको केमिकल्स का भी यूज करते हैं. कौन सा केमिकल, कॉस्टिक सोडा को इम्प्रेगनेट या इम्प्रेस कर देते हैं कॉटन फैब्रिक में इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स और स्ट्राइप्स, और उसको देन वॉश कर पार्ट ऑफ इम्प्रिंटेड विद सोडा श्रिंक, और जिस पार्ट में कॉस्टिक सोडा रह जाता है वो श्रिंक हो जाता है और दूसरा क्रेप का इफेक्ट हमें मिल जाता है. ये देखिए ऐसा सा इफेक्ट हमें मिल जाता है जहां पे सोडा के पार्टिकल्स रह जाते हैं वो पार्ट श्रिंक होता है, और जहां पे सोडा नहीं होता वो पार्ट उठ जाता है, पकर आउट हो जाता है. सो ये थे हमारे मैकेनिकल फिनिशेस फॉर द डे. आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे अच्छे से. मैकेनिकल फिनिशेस आर बीइंग इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, क्योंकि हमारे जो फैब्रिक्स हैं, अगर हमने साटन लेना है, हमें पता होना चाहिए वो फैब्रिक पर्टिकुलरली कैसे बना है, उसमें कैसे
लेस कॉटन क्या है, उसमें कैसे फिनिश है, तो कॉटन ही पर शाइनी क्यों है. तो दीज प्री ट्रीटमेंट और फिनिशिंग ऑपरेशन ये हमें हेल्प करते हैं कि हम टू आवर चॉइस उसको चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें. एनी प्रॉब्लम? वॉइस प्रॉब्लम? मेल आईडी मेरी है agyaprit@yahoo.com. I would be sending Sunday. I would be sending you all the PPTs which are still pending me to all the aspirants who are asking me for the PPT. It's agyaprit18@yahoo.com. Any query? समझ आया आपको? In the next lecture, I would be discussing a जैसे कि वाटर रेपलेंट है, फ्लेम प्रूफ है, रिलीज है, तो इनमें मोस्टली ये फिनिश इम्पार्ट करने डिफरेंट केमिकल्स. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई वुड बी डिस्कसिंग दैट. ओके, एनी क्वेरी? यस, who has raised hand? Rekha Devi. Anji Rekha, bolo. Summarize, in the short summarization ye hai ki jo fabric hame loom se milta hai उसको हम ग्रे फैब्रिक बोलते हैं. उसमें येलोश कलर होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, पर हमें फैब्रिक को अल्टीमेटली गारमेंट तो हम क्या करते हैं उसमें, वो पहले प्री ट्रीटमेंट्स देते हैं. प्री ट्रीटमेंट में करा जाता है स्कोरिंग, सिंजिंग, देन डीसाइजिंग. सिंजिंग में क्या होता है, उसके आउटर हेयर्स को रिमूव कर देते हैं हम गैस फ्लेम की हेल्प से, ठीक है, उसको बर्न आउट कर देते हैं. ऐसे बर्न करते हैं कि आपके फैब्रिक पे इफेक्ट ना हो. नेक्स्ट है डीसाइजिंग. डीसाइजिंग क्या है, आपने जब आप लगाते हो आप उस पर साइज एक चावलों के पानी के जैसे परत आप चढ़ा देते हो ताकि आपके धागे टूटे ना, पर फैब्रिक बनने के बाद उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है. तो डीसाइजिंग वही प्रोसेस है जिसमें उस या साइज स्टार्च को रिमूव कर दिया जाता है. उसके बाद है स्कोरिंग. स्कोरिंग में क्या होता है, अगर कोई इम्प्योरिटीज आपकी रह गई हैं उनको हम रिमूव आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट. जैसे आप वॉश कर लो अपने कपड़े को, वो क्या करते हैं डिटर्जेंट क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं, कर लेते हैं जो डर्ट है उसकी हो जाता है. उसी तरह स्कोरिंग में भी सेम प्रोसेस होता है. ब्लीचिंग में हमारा जो फैब्रिक है वो येलोइश कलर का होता है जब वो लूम से निकलता है, तो ब्लीचिंग एजेंट्स की हेल्प से उसको हम वाइटिश बना देते हैं. ब्लीचिंग करने के बाद एक प्रोसेस है ऑप्शनल, मर्सराइजेशन कर देते हो. मर्सराइजेशन क्या है, कॉस्टिक सोडा उसमें डाल देते हैं जिससे उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है. ये थे हमारे प्री ट्रीटमेंट. उसके बाद प्री ट्रीटमेंट के बाद हम इसको डाइंग, फिनिशिंग और पेंटिंग के लिए भेजते हैं. फिनिशिंग में हमारी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है फिनिशेस की, केमिकल या मैकेनिकल, और फिनिश कितनी देर तक रहती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, परमानेंट एंड और फंक्शनल, कि हमें उसको अपीयरेंस को एनहेंस करना है कपड़े की या हमें कपड़े की प्रॉपर्टी को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी डालनी है. तो ऑन द बेस्ड ऑफ दैट फिनिशेस आर बीइंग यूज्ड. एंड टुडे आई हैव डिस्कस मैकेनिकल फिनिशेस. मैकेनिकल फिनिशेस में डिस्कस किया क्रॉपिंग, सैंडिंग, सीडिंग, देन एम्बॉसिंग, वी हैव डिस्कस्ड कैलेंडरिंग. तो ये सारी फिनिशिंग है देखी है. ग्लेजिंग वूल के लिए बेसिकली फुलिंग, डिफरेंट फिनिशेस है जो हमने आज डिस्कस करी और इनका रोल क्या है वो बताया गया. क्रॉपिंग
क्रॉपिंग में क्या होता है, जिन फाइबर्स की हम सिंचिंग नहीं कर पाते, जिस जिनको आग लगने का खतरा होता है, उन फैब्रिक्स को हम सिंच आउट नहीं करते, तो क्रॉपिंग में वही है, जैसे हम ट्रिमिंग करते हैं वैसे ही प्रोट्रूडिंग हेयर्स को कट आउट कर देते हैं सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए. सिंचिंग में उन फाइबर्स को बर्न आउट कर देते, इज द प्रोसेस ऑफ सिंचिंग. सैंडिंग इज आप एमरी पेपर से रब करते हो सरफेस को स्मूथ देने के लिए, सरफेस को साफ करने के लिए हम एमरी पेपर यूज करते हैं. सिमिलरली एमरी पेपर किया जाता है जो सरफेस को अब्रेड करके इवन आउट कर देते हैं. ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर. इफ एनी क्वेरी इज स्टिल लेफ्ट, यू कैन मेल मी आउट, आई विल क्लैरिफाई योर क्वेरीज ओवर देयर. डोंट वरी. Thank you so much, ma'am.